The provision of plea bargaining under Chapter 21A of CRPC are not applicable if the offence is committed against a child below the age of 14 years. Option B sahi hai. Next question. Section 125 of the Criminal Procedure Code is secular in character, was observed in which of the following case? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ऑप्शन सी. मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का मामला 1978 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और 1985 में इसका फैसला आया था. अहमद खान ने शाहबानो को 3 तलाक देकर 1 तरफा तलाक दिया था. तब शाहबानो ने गुजारा भत्ता पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. निचली अदालत ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन अहमद खान ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की. हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जस्टिस पी एन भगवती और जस्टिस डी पी मोदी की बेंच ने फैसला सुनाया कि एक मुस्लिम पति को अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद भी गुजारा भत्ता देना चाहिए. बेंच ने यह भी कहा कि गुजारा भत्ता का अधिकार किसी भी धर्म की महिलाओं से छीना नहीं जा सकता है. यहीं से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 में सेक्युलरिज्म दिखाई दिया. सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत साबित हुआ. इस फैसले ने मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान की. बाकी ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं. ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2013 का मामला है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक पुलिस ऑफिसर सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार तब एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है यदि दी गई इन्फॉर्मेशन से पता चले कि ऑफेंस कॉग्निजिबल है, संज्ञेय है यानी गंभीर है, और ऐसे मामले में कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है. इस केस में ललिता कुमारी एक नाबालिग बच्ची थी जिसका अपहरण हो गया था. बच्ची के पिता ने बेटी की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत हबीस कॉर्पस की रिट फाइल की थी. ललिता के पिताजी भोला कामत ने पुलिस स्टेशन के ऑफिस इंचार्ज को एक लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. बाद में उन्होंने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच किया और तब एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन फिर भी आरोपी को पकड़ने या लड़की की बरामदगी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था. अगला अर्नेश कुमार का केस है, ये बिहार का मामला है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर को 1 दिन के लिए जेल और जुर्माने दोनों की सज़ा सुनाई थी. अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी काफ़ी अहम है, जिसमें कोर्ट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गाइडलाइंस भी जारी किए हैं. इस मामले में एक पत्नी ने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार के मामले में फैसला दिया कि वैसा क्राइम जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसमें पुलिस तत्काल गिरफ्तारी नहीं करेगी. पुलिस सीआरपीसी की धारा 41A के तहत आरोपी को पहले नोटिस भेजेगी, थाने बुलाकर पूछताछ करेगी और जांच सही पाई जाने पर ही एफआईआर दर्ज करेगी, या आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा हो तब उसे गिरफ्तार करेगी. हाल ही में एयर इंडिया यूरिनेशन केस में भी पटियाला कोर्ट में अर्नेश गाइडलाइंस का जिक्र किया गया था. इसके अलावा और भी कई मामलों में अर्नेश गाइडलाइंस का हवाला दिया जा चुका है जिसे हम किसी और वीडियो में डिटेल में जानेंगे. एक और केस बचा है, सर्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में कहा कि पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को विश्लेषण क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक उपचार हैं और ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि ये आर्टिकल 20 और 21 को वायलेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अ पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी केस में समरी ट्रायल की पावर होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी है. क्वेश्चन, विच सेक्शंस डील विद द प्रोसेसेस टू कंपेयर अपीयरेंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धाराएं कोर्ट में हाजिर होने के लिए बाध्यता की प्रक्रियाओं को बताती हैं? ऑप्शन ए सही है. सेक्शन 61-90 चैप्टर 6 के अंतर्गत आती हैं जो अभियुक्तों को कोर्ट में हाजिर किए जाने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देती हैं. सेक्शन 154-173 टेल्स अबाउट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट. पुलिस को सूचना देने और संबंधित जांच पड़ताल करने की उनकी शक्तियों के बारे में बताती हैं जो चैप्टर 12 के अंतर्गत आती हैं. सेक्शन 211-219 चैप्टर 17 के अंतर्गत आती हैं जो दो भागों में डिवाइड हैं. पहले भाग में 211 से 217 तक की सेक्शन आती हैं. इसमें फॉर्म्स ऑफ चार्जेस यानी आरोपों के प्रारूप के बारे में बताया गया है, जैसे
ए पर बी की हत्या का आरोप है, तो इस बारे में आईपीसी की धारा 300 में बताया गया है। दूसरे भाग में 218 से 224 तक की धाराएं हैं जो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस यानी आरोपों का संयोजन के बारे में बताती हैं। ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस से अर्थ है कि एक अभियुक्त पर लगे दो या अधिक अपराधों के लिए अलग अलग ट्रायल होगा या एक ही ट्रायल। सेक्शन 274 टू 282 चैप्टर 23 के अंतर्गत आती हैं। इसमें एविडेंस लेने और उसे रिकॉर्ड करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नोन एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑप्शन बी इज राइट। सेक्शन 41 के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये अपराध किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ही माने जाते हैं। ये अपराध छोटे और साधारण प्रकृति के होते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से पहले आज्ञा लेनी पड़ती है। बेलेबल ऑफेंस को फर्स्ट शेड्यूल प्रथम अनुसूची में देख सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस बहुत मामूली और कम दंड से दंडनीय होते हैं। इस तरह के अपराध में अपराधी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस अधिकारी या अदालत से उसे जमानत मिल जाती है। इन अ समन्स ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट वेयर इन द समन्स हैज बीन इशूड टू द अक्यूज्ड द नॉन अपीयरेंस और द कंप्लेनेंट शैल एंटेल मींस एक शिकायत पर शुरू किए गए समन ट्रायल मामले में जिसमें आरोपी को समन जारी किया गया है, शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति या मृत्यु होने पर आरोपी को बरी कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी सही है, एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड। नेक्स्ट, सपोज FIR इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द स्टेशन हाउस ऑफिसर, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट द कंप्लेनेंट हैज। अगर पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज न करे तो पहले सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाएं और फिर भी बात न बने तो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन फाइल की जा सकती है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है, क्योंकि कंप्लेनेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों को अप्रोच कर सकते हैं। FIR दर्ज कराने से रिलेटेड आपने क्वेश्चन में ललिता कुमारी और अर्नेश केस भी पढ़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 160 ऑफ CRPC कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स। ऑप्शन सी इज राइट। CRPC की धारा 160 के तहत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी किसी ऐसे पुरुष को उसके निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर हाजिर होने के लिए नहीं कह सकता जिसकी आयु 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट How it can be tackled by the advocates? अगर कोर्ट के सामने एफिडेविट में कोई झूठ बोलता है तो परजरी की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। ऑप्शन ए सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी पब्लिश एज फॉलोज। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा इस प्रकार प्रकाशित की जाएगी। इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड्स। उद्घोषणा उस शहर या गांव के किसी विशिष्ट स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा जहां ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। स्टेटमेंट सेकंड, इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड्स और टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। उद्घोषणा उस घर या इलाके के किसी विशिष्ट भाग पर जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है पर चिपकाया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। उसकी एक प्रति कोर्ट हाउस के कुछ विशिष्ट भाग पर चिपका दी जाएगी। फोर्थ, द कोर्ट मे ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड्स। यदि न्यायालय उचित समझे तो वो उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का भी निर्देश दे सकता है जहां ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसे एक बार रिपीट करते हैं। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा उसके शहर या गांव में जहां वो रहता है में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, चिपकाई जाएगी। एक प्रति कोर्ट हाउस के कुछ विशिष्ट भाग पर चिपका दी जाएगी या उस स्थान पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करा दी जाएगी। ये चार स्टेटमेंट थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।